मैं हबीबा है, मैं कराची की रहने वाली हूँ। मैं 10 महीने से अगवा थी। अच्छा उम्मे हबीबा, ये बताएं कि आप 10 महीने से अगवा थी, तो ये अगवा की कहानी आपकी शुरू कहाँ से हुई? ये याला लूडो से हुई। याला लूडो में खेला करती थी, तो वहाँ पे मुझे मिले थे, मेरे फ्रेंड थे जस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे ना आपसे मुलाकात करनी है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये इन्होंने कहा मैं ना कुछ टाइम बाद कराची आऊँगा, तो मैं आपसे मुलाकात करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये कराची आए अपनी बहनों को धोखा लेकर आए थे, और इनकी मम्मा आई थी। तो इन्होंने कहा मुझसे मुझे ना आपसे मिलना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उस टाइम रात के 2 बजे का टाइम था, शराब फैसल पर इन्होंने मुझे बुलाया था। तो ये वहाँ पर आए, इन्होंने मुझसे मुलाकात के लिए बुलाया। तो मैं इनके पास गई, मैं इनसे मिली। तो उन्होंने कुछ खाएंगी पियेंगी, मैंने कहा नहीं। उनके पास कोल्ड ड्रिंक थी, उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दी, तो मैंने पी लिया। तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद था, मैं कहाँ थी कहाँ गई, मुझे आई डोंट नो। अच्छा फिर क्या हुआ, जब आपकी आँख खुली तो आप कहाँ पर थी, फिर क्या कहानी शुरू हुई? मैं एक रूम के अंदर थी, तो मैंने उनको उनको बोला मैं कहाँ पे। मैंने काफ़ी उनसे मतलब मैंने उनसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे छोड़ा है, तो उनकी अम्मी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब्दुल्ला ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, उन्होंने मुझे मारा पीटा, उन्होंने बहुत मुझे मतलब उन्होंने मेरे उनके पास एक वीडियो थी जिसके सारे मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था ये वीडियो लीक कर दूंगा, तो इसलिए उन्होंने कहा था, उन्होंने मतलब गलत वीडियो बनाई थी। तो वो कैसी वीडियो आपकी बना ली, कौन सी वीडियो थी जिसकी वजह से ब्लैकमेल हो रही थी, क्या था वो वाकया क्या था वो आपके साथ जो हुआ? देखिए वो मुझे कुछ नहीं पता उन्होंने वीडियो कब बनाई है, क्योंकि मैं जब वहाँ पे जब मैं थी ना उनके रूम में, तो उन्होंने वहीं पे कहीं उन्होंने वीडियो बनाई। पर जब मैंने वो वीडियो के सारे भी मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये तो वीडियो के बारे में आपको क्या कहते थे, क्या करेंगे वीडियो का, और उसके उसको लेके कौन कौन सी चीज़ों में आपको दबाव डालते थे आपके ऊपर? कहते थे ये वीडियो हम आपके लीक कर देंगे, मुझे धमकियाँ देना, आपके अम्मी अब्बू को मरवा देंगे, ये सोचा वीडियो लीक हो जाएगी तो तुम्हारी इज्जत का क्या हाल रहेगा, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, ऐसे ब्लैकमेल करना। फिर उन्होंने मेरे ज़बरदस्ती निकाह करवाया, तो निकाह कर जब उन्होंने काजू बुलाया तो काजू ने मना कर दिया, कहता लड़की की हालत देखें आप, लड़की इतना रो रही है और छोटी सी बच्ची, मैं इसका निकाह नहीं करवाऊँगा। उन्होंने हमें निकाह करने थे मना कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा काजू बुलाया, उनको उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने हमारा निकाह करवाया ज़बरदस्ती, मैं उसमें राजी नहीं थी, उन्होंने बस अंगूठे लगवाया, ज़बरदस्ती निकाह इन्होंने कराया था। फिर निकाह के बाद भी मुझे ब्लैकमेल करना, मुझे मारना पीटना, लोगों को दुबई में एक वीडियो कॉल करके मुझे दिखाना, मुझे तैयार करके दिखाना, और वीडियोस लड़कों को सेंड करना आगे मेरे, और गंदी वीडियो बनाना लड़कों को सेंड करते थे, पैसे लिया करते थे, फिर कहते हम आपको दुबई में सप्लाई कर देंगे। मुझे बहुत भी लोग ब्लैकमेल करते थे, इसकी माँ भी, इसकी अम्मी, इनके घर में जेंट्स आना, मतलब बस यही था। अच्छा जब ये वीडियो आपकी इन्होंने नाजेबा गंदी वीडियो इन्होंने आपकी बनाई, तो उस वीडियो को लेके क्या करते थे, फिर आपको मारते भी थे, क्या करते थे, वालदा भी इसकी मारती थी? जी इसकी अम्मी भी मारती थी, इसकी बड़ी बहन भी मारती थी, खुद भी उन्हें मारा करता था। मैं ये कहता था जो हम बोलेंगे आपने वही करना है, और उनको जो बोलते थे जैसा हम बोले वही करना है। फिर जब आप लोगों ने मेरी वीडियो, जब आप लोगों ने मीडिया पे जब मेरा केस उछाला, आप लोगों ने केस मेरा सब मीडिया पे दिया, मेरी मम्मा आई, जब आप लोगों ने उनकी तस्वीर लगाई, तो उन्होंने जब मुझे आके यहाँ पर भेजा, फिर उन्होंने कहा आपने कोर्ट में यही बयान देना, वरना ये आपकी वीडियो लीक हो जाएगी, हम आपके माँ बाप को मरवा देंगे। मुझे बहुत इन्होंने ब्लैकमेल करा, मारा पीटा, खाना नहीं देना था, शराब पी के आता था, आइस पीता था, खुद मुझे चर्स पिलाता था, शराब पिलाता था, ज़बरदस्ती बहुत मुझे इन्होंने जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे, हर तौर पे इन्होंने मुझे टॉर्चर किया, हर तौर पे। तो जब ये वीडियो आपकी इन्होंने बनाई नाजेबा, तो उसके बाद कोर्ट में क्या कहते थे बयान देने के लिए? कोर्ट में आई उनके साथ मिला हुआ था मैं, तो जब आप लोगों ने मेरी वीडियो बनाई ना, तो उन्होंने कहा कि ना लड़की को वापसी भेज दो कराची पर, इसको बोला मुँह ना खोले। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी आप लोगों के खिलाफ, मैं बस अपने माँ बाप के पास जाऊँगी। बोलते नहीं बोलना, मेरे शोहर के पास जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये बोलूँगी। तो मैं इस वीडियो के तौर पर बहुत थी, और मुझे नींद की गोलियाँ दी रहती, मैं अपने होशो आवाज़ में नहीं थी, ठीक है। तो मैं जब इन्होंने अपने अबू के, अब्दुल्ला के वालिद हैं, उनके भाई के साथ इन्होंने कॉन्टेक्ट किया था कि इस लड़की को कराची वक्त छोड़ के आना है। अच्छा जब इन्होंने आपकी वीडियोस बनाई, और फिर दुबई के नंबरों से कॉल करके आपको लाइव दिखाते थे, तो वो क्या बात थी? वो कहते थे दुबई आपको सप्लाई करेंगे, हम बेचेंगे। तो उनको तैयार मुझे रेड सूट पहनाना, रेड चूड़ियाँ, मतलब
तैयार करवा के उनको दिखाया करते थे ऑनलाइन।